हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका माय ई क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपको डायल बोर्ड गेज की सहायता से किसी भी जॉब के बोर को चेक करना बताऊंगा कि आप किसी भी जॉब के बोर को किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपने कोई इस टाइप का बोर कराया है, जैसे इसमें बोर हो रहा है, मान लिया कोई आपने इस साइज का बोर कराया है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने जो इसमें बोर कराया है उसका साइज यहाँ से लेके और नीचे तक और पूरे राउंड में वो जो आपने साइज दिया है, जो भी आपने साइज दिया होगा, वो एकदम सेम है या उसमें कहीं कहीं अंतर आ। जैसे मान लिया मैंने इसमें 50 mm का बोर कराया है, तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि यहाँ भी 50 mm है, यहाँ भी 50 mm है और लास्ट में भी 50 mm है और इसके पूरे राउंड में ये जो है 50 mm का ही है, वो हमको बताएगा डायल इंडिकेटर। जैसे मान लिया बोर आपने कराया 50 mm का, तो 50 mm कराया यहाँ पे, यहाँ पे उसने 51 mm कर दिया, यहाँ पे 50.5 mm कर दिया और यहाँ पे कुछ और कर दिया। तो उसी एरर को चेक करने के लिए, उसी त्रुटि को चेक करने के लिए ये होता है डायल बोर गेज। क्योंकि आप जानते हैं कि बोर जो होता है उसमें जो है ज़्यादा प्लस माइनस नहीं चलता है, उसमें 0.05 से लेके 0.08 mm का ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस चलता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल नहीं चलता है, ठीक है। इसी वजह से उसी एरर को देखने के लिए ये होता है डायल बोर गेज का पूरा सेट। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूज़ किस प्रकार से किया जाता है, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको डायल बोर गेज के बारे में दे देता हूँ, मोटी मोटी। तो आप यहाँ देखेंगे इस पे लिखा है डायल बोर गेज रेंज 50 mm से 160 mm, ठीक है। यानी कि ये 50 mm से छोटा जो बोर साइज होगा उसको रीड नहीं कर पाएगा और 160 तक का मैक्सिमम जो है आपके बोर के साइज को चेक कर सकता और है। इसमें लिखा है 0.01 mm, यानी कि ये 0.01 mm के एरर को, यानी कि आपके साइज में कोई 0.01 mm का एरर भी होगा ना, तो ये जो डायल बोर गेज है वो इसको भी बता देगा कि ये बोर के साइज में जो है आपका 0.01 mm एरर है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपको, ये मेरे पास एक सिलेंडर हेड है बाइक का, इसमें बताऊंगा आपको, और मैंने कुछ पाइप लिए हैं जिससे मैं आपको और अच्छे तरीके से बता पाऊंगा कि बोर जो है किस प्रकार से हम चेक करते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी डायल इंडिकेटर के बारे में दे देता हूँ। देखिए ये है डायल इंडिकेटर, ठीक है। अब इसमें यहाँ लिखा है 0.01 mm, यानी कि ये 0.01 तक के बोर के साइज में डिफरेंस होगा तो इसको ये चेक कर पाएगा। और यहाँ लिखा है 0 से लेकर 10 mm, यानी कि 10 mm से ज़्यादा की ये रीड नहीं कर पाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे नीडल जो है ये 0 पे है, ठीक है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपके जो बोर हुआ है उसमें कितने एमएम का डिफरेंस आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी लाइनें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 0 के बाद देखेंगे तो ये एक लाइन है, ठीक है। इसकी जो एक लाइन है वो 0.01 mm की है, ठीक है। यहाँ देखिए 0.01 mm की है इसकी एक लाइन, दो लाइन 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 और यहाँ 1.0, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपकी वहाँ पे यहाँ जाती है निडिल, आपकी इधर की साइड जाती है, अगर आपकी निडिल प्लस में जा रही है तो वो आपका क्या होगा, उधर से थोड़ा सा छोटा होगा बोर का साइज, ठीक है। बोर का साइज़ क्या होगा, अगर आपकी निडल जो है प्लस में जा रही है तो वहाँ पे आपका बोर का साइज़ छोटा होगा। अगर आपकी निडल की साइज, निडल की जो है 0 से माइनस में जा रही है, यानी कि 0 से पीछे जा रही है, यानी कि 0 से 90 की तरफ जा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके बोर का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा। क्योंकि देखिए मैं इसको दबा रहा हूँ अभी, ठीक है, मैंने इसको दबाया तो ये निडल हमारी कहाँ बढ़ रही है, 10 की साइड, ठीक है। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, निडल मेरी कहाँ जा रही है, 90 की साइड। देखिए यहाँ देखिए मैं इसको दबा रहा हूँ तो देखिए, यानी कि ये बोर हमारा थोड़ा छोटा है वहाँ पे। अब मैं जब इसको थोड़ा छोड़ूंगा तो देखिए निडल में भी वापस 90 तरफ जा रही है। तो यानी कि जहाँ पे आपका साइज, बोर के साइज थोड़ा बड़ा होगा वहाँ पे ये 0 से 10 की तरफ जाएगी और यहाँ पे आपकी 0 से 90 की तरफ जाएगी जहाँ बड़ा होगा। अब आपको क्या करना, कैसे चेक पता लगेगा, तो निडिल जब भी आपके जितने भी पॉइंट्स पर जाकर रुकेगी, मान लिया निडिल आपके यहाँ पर जाकर रुकी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस आपके जो, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस आपके जो है बोर में आ रहा है 0 से लेके 7 तक, तो आप बोलेंगे उसको इसमें 0.07 mm का एरर है, ठीक है, 0.07 mm। अगर आपका ये निडल यहाँ से जाके और यहाँ 0 से लेके, अगर आपकी निडल 0 से लेके 10 के बीच में मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे करके, तो क्या करेंगे, उसमें 0.010 का एरर है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपकी यहाँ जा रही है तो उसमें आप 0.020 बोलेंगे, ठीक है, 0.20 बोलेंगे। इसी प्रकार से किसी भी जॉब को आप अच्छे से तरीके से रीड कर सकते हैं। तो किसी भी जॉब को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मान लिया आपके पास कोई जॉब है,
आपके पास ये जो है आपको उसका बोर का साइज को चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बोर के साइज चेक करेंगे भाई, इसके बोर का साइज कितने एमएम का है। तो वो किससे चेक करेंगे, अगर आपके पास बोर गेज का सेट है तो आपके पास वर्नियर कैलिपर भी होगा इस कुछ इस प्रकार से। तो इसके हम बोर पहले इसका डाया ले लेते हैं, ठीक है, इसका डाया कितने एमएम का। तो पहले हम इसका डाया चेक करेंगे, डाया हम चेक करें तो हम देख रहे हैं कि इसका डाया जो है 50 एमएम का डाया है। तो अब हम क्या करेंगे, और हमको पता भी है कि हमने इसमें 50 एमएम का बोर कराया है, ठीक। तो हमने 50 एमएम को चेक कर लिया, लेकिन हम इसको पूरा राउंड चेक करेंगे अंदर से अंदर तक का कि 50 एमएम का है या नहीं है। तो उसके लिए फिर यहाँ पर जाएंगे इसके अंदर, और यहाँ से इसमें हम जो है 50 एमएम की एनविल इसमें से हम निकाल लेंगे, जाली एनविल इसमें हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे, इसके अंदर हम सेट करेंगे, ठीक है, ऐसे करके, और इसको वापस सेट करेंगे। और जब भी आप इसको जॉब में आप किसी भी बोर के अंदर लगाएंगे, देखिए जब आप इसको बोर के अंदर यूज़ करेंगे तो आप ये देखेंगे इसमें छोटी जो एनविल्स हैं, ये जो छोटी एनविल है ना इसकी, ये मूव आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये जब तक दबेगी नहीं तब तक यहाँ पे आपको रीडिंग मिलेगी नहीं इंडिकेटर पे, डायल इंडिकेटर पे रीडिंग आपको जब तक मिलेगी नहीं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए ये मैं इसमें लगा देता हूँ पहले, ठीक है, ये मैंने इसमें लगा दिया। अब आप देखेंगे जब मैं इसको इस नीडल को प्रेस करूँगा इसको, तभी मेरी नीडल जो है प्रेस होगी। देखिए देख रहे ना, मैं इसको यहाँ दबा रहा हूँ और आप देखिए, क्योंकि जब तक ये नीडल हमारी प्रेस होगी नहीं हमारे सरफेस से, ये नीडल जो है हमारा बोर के सरफेस पे एकदम टच होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी सी इसमें दबनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम चेक करेंगे ये नीडल हमारा जो है मूवेबल जो एनविल है ये हल्की दबनी चाहिए, ठीक है। दबने के बाद हम इसमें जीरो सेट करेंगे, किसमें, डायल बोर्ड गेज के इंडिकेटर में। मान लिया हमने इसको दब गई, अब इसमें जीरो सेट करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपने आपकी एनविल दब नहीं ली है और आपने ऐसे लगा दिया और आप रीडिंग ले रहे हैं तो रीडिंग आपकी सही नहीं आएगी, याद रखिए। ये आपका जो मूवेबल एनविल है वो हमेशा प्रेस होनी चाहिए, प्रेस होने के बाद आप इसमें जीरो सेट करेंगे, ठीक है। जैसा अभी मैंने प्रेस कर दिया और अब इसमें मैं जीरो सेट कर लेता हूँ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें हमने पूरा सेट कर दिया है, ठीक है, एनविल्स लगा दिए। तो अब मैं आपको मैं चेक करके बताता हूँ कि इसमें किस प्रकार से बोर को चेक किया जाता है। तो हमने इसमें एनविल सेट कर लिया था, अब हम बोर के साइज़ को चेक करेंगे कि बोर का साइज़ हमारा किस प्रकार से बना हुआ है। तो इसमें इसको प्रेस करने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले आप इस वाली चीज़ को ऐसे टेपर करेंगे और इसको ऐसे सीधा कर देंगे। आप इस प्रकार से इसको डालेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, तो इस प्रकार से ऐसे करेंगे और इसको ऐसे हम मूव करेंगे, ठीक है, और इसको अंदर इसके अंदर प्रेस हम कर देंगे। प्रेस करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें जो है डायल इंडिकेटर में जो इसके नीडल है वहाँ पे आपको जीरो सेट करना होगा। तो जीरो हम सेट कर लेते हैं, तो ये देखिए हम इसको ये जो है इसको जीरो पे लेके, जीरो पे हमने इसको अभी सीधा लेते हैं, पहले जीरो पे इसको हम सेट कर देते हैं, ठीक है, जीरो पे सेट कर दिया। उसके बाद इसको थोड़े से ऊपर उठाएंगे और देखेंगे कि वापस वो जीरो पे आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारा ये वापस जीरो पे आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको धीरे धीरे ऊपर करेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे ऊपर कर देखेंगे नीडल में कोई मूव है, आता है या नहीं आता। तो मैं धीरे धीरे इसको मूव ऊपर कर रहा हूँ, तो देखिए नीडल में आपको देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर, देखिए यहाँ देखिए कितना अंतर आ रहा है, ठीक है, ये देखिए, देखिए नीडल में आपका अंतर आपको दिख रहा होगा, देखिए थोड़ा सा इसमें अंतर आ, इसमें अंतर जो आ रहा है वो दोस्तों 0.03 से लेके 5 तक का इसमें अंतर आ रहा है। देखिए यहाँ पे पूरा हमारा जीरो वापस आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे जीरो वापस आ गया, और जब मैं इसको वापस ऊपर ला रहा हूँ तो आप देखिए ये देखिए इसमें अंतर आने लगा, और 0.05 का इसमें अंतर यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फिर वापस जो है 0.04 की तरफ जा रहा है, और फिर वापस आप देखेंगे तो ये जो है 0.05 पे ही रुका हुआ है अभी, और वापस इसमें 3 पे आया, देखिए यहाँ पे 0.03 के पास आया, वापस यहाँ पे 0 पे आ गया है, ठीक है ना, ये वापस 0 पे आ गया है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा लेता हूँ इसको, और चेक करते हैं कि इसमें हमारा यहाँ से है, क्योंकि मैं घुमाऊँगा तो फिर इसका डायल भी घूम जाएगा, आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं इसको फिर चेक करता हूँ, देखिए अभी हमारा 0.05 के पास ही है, और फिर मैं इसको वापस नीचे ले जा रहा हूँ, तो नीचे ले जाता हूँ तो मैं वापस देखिए जीरो पे पहुँच जाता है, आप देख रहे होंगे ना, वापस ये जीरो पे हमारा पहुँच गया है, देखिए जीरो पे ये वापस चला गया है, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें जो अंतर आ रहा है वो 0.05 mm का इसमें अंतर हमें देखिए दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए, ठीक ना, इसमें जो है 0.05 mm का अंतर इसमें हमको दिख रहा है। तो क्या हुआ,
इसमें आपका 0.05 mm का जो है डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपका प्लस माइनस में है तो ये चलता है, ठीक है। अगर ये आपका प्लस माइनस में है तो ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपका बोर ओके। अगर आपके बोर के साइज़ में प्लस माइनस नहीं चलता है तो ये फिर आपके लिए ठीक बोर नहीं है, इसको थोड़ा सा और जो है रिमिंग करना पड़ेगा। ये आपने देख लिया किस प्रकार से इसका हमने यूज़ किया है। देखिए दोस्तों, ये है 50 mm से छोटा, इसका साइज़ 50 mm छोटा है और इसमें हमने 50 mm की एनविल लगाई ही है, ठीक है। तो इसमें हम ये हमारे इसमें नहीं जा पाएगा, आप इसे कितना भी तिरछा कर लीजिए ये इसमें नहीं जाएगा, लेकिन ये इसमें नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर ज़रूरत से डालेंगे तो इसमें आपका फंस जाएगा और ये निकलेगा भी नहीं, फिर आपको पाइप ही तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, 50 mm से छोटा रीड नहीं कर पाएगा, ये 50 mm छोटा तो रीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। 50 mm का ये था, हमने इसको रीड कर लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये मेरे पास एक पाइप का जो है टुकड़ा है, इसका साइज यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है। ये पाइप का मैंने जॉइंट वाला हिस्सा लिया, जिससे आपको अच्छे से मैं आपको बता सकूँ कि जब आपका ये वर्क करेगा, ठीक है, तो किस प्रकार से यहाँ पे इसकी रीडिंग कुछ और आएगी और यहाँ पे इसकी रीडिंग कुछ और आएगी, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा, इसीलिए मैंने इसको आपके लिए लिया है। तो मैं इसकी रीडिंग भी आपको चेक करके बताता हूँ, तो इसको मैं साइड पर रख देता हूँ फिलहाल अभी। देखिए इसके लिए भी आपको सबसे पहले इसका डाया चेक करना होगा कि इसका डाया कितने एमएम का है। तो इसका डाया हम चेक करने के लिए हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर से हम इसका डाया चेक कर लेते हैं। तो डाया हम इसको देख लेते हैं, तो ये इसका हमने डाया, तो ये इसका हमने डाया ले लिया है। डाया देखते हैं कितना एमएम का आया है। डाया जो हमारा आ रहा है दोस्तों, वो हमारा आ रहा है 70 mm के आसपास, ठीक है। यानी कि 70 mm का इसमें डाया आ रहा है, तो उसका डाया 70 mm का है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे अपने डायल बोर्ड सेट के अंदर और देखेंगे 70 नंबर की एनविल कौन सी है। तो 70 नंबर की एनविल से आप देखेंगे, तो 70 नंबर की एनविल आपको ये देखिए, ये यहाँ पे दिख रही है, 70 नंबर्स की एनविल से हम निकाल लेंगे, ठीक है। 70 नंबर की एनविल हम निकाल लेंगे, निकालने के बाद इसी में हम वापस लगाएंगे, ठीक है। तो लगाने के लिए इसको हम खोल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसको हमने खोल लिया है दोस्तों, और इसको हम इसमें लगाते हैं वापस। तो ये इसमें मैं लगा देता हूँ, और ये मैंने देखिए इसमें वापस इसको टाइट करता हूँ, ठीक है। अब हमने ये इसमें 70 नंबर की एनविल इसमें हमने लगा दिया है और हमारे पास ये है, ठीक है। इससे हम चेक करके देखेंगे कि हमने जो इसका जो खैर नया पाइप है इसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये क्या है ना, 0.01 mm का एरर भी होगा ना, तो उसको भी रीड करेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे इस जॉब में जो है 0.05 mm का अंतर था। तो अब इसमें मूव करते हैं, तो मूव करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से इसके अंदर डालना है और उसके बाद इसको ऐसे लगा देना, और आपको देखना ये आपकी जो छोटी एनविल है, ये जो मूवेबल एनविल है, ये इससे टच होनी चाहिए। अगर ये टच नहीं होगी तो आपकी जो रीडिंग नहीं आएगी। तो इसमें हमने लगा दिया है, सबसे पहले मैं इसको 0 पर सेट कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए ये हमारी 0 पर सेट, जीरो पे सेट हो गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे मूव करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसमें जो इसकी नीडल है वो देखिए थोड़ा सा अंतर बता रही है अभी, क्योंकि ये पाइप लगता है ना 0.04 का आया है, और अब देखिए ये इस जॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। जैसे इस जॉइंट पर आ रहा है तो देखेंगे आप ये नीडल जो है हिलनी बंद हो गई है, मैंने यहाँ टकरा दिया, नीडल हिलनी इसकी बंद हो गई है। अब नीडल जैसे इस जॉइंट से ये ऊपर आएगा, अपने वाले एरिया में आएगा, यानी कि 70 वाले एरिया में आएगा, तो नीडल देखिए मूव करेगी, देखिए नीडल मूव करी ना, यानी कि ये इस वाले एरिया में आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसमें बड़े साइज़ की छोटे साइज़ की एनविल लगाएंगे तो ये आपको ये नहीं बताएगा, क्योंकि इसका जो मूवेबल एनविल होती है, जब तक वो प्रेस नहीं होगी ना तब तक यहाँ पे कोई रीडिंग शो नहीं होगी। तो यहाँ पे इसमें जो है मूवेबल एनविल जो प्रेस हो रही है, और यहाँ पे इसमें प्रेस नहीं हो पाती क्योंकि वो छोटी पड़ जाती है, ठीक है। इसमें हमारा ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो यही कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका ये अलग हो जाता है रीडिंग, और यहाँ पर ये जो है आपका अलग हो जाता है। अगर ये साइज़ का आपको लेना होगा तो इसने क्या किया है, यहाँ की रीडिंग हमको बताई, यहाँ की रीडिंग इसने हमको नहीं बताई। तो यहाँ की रीडिंग के लेने के लिए हमको इसको वर्नियर से चेक करना होगा इस प्रकार से, और ये देखेंगे तो ये हमारी जो है इस डाय का साइज़ जो है हमारा 75 mm इस डाय का साइज़ आ रहा है, ठीक है। हमने लगाई थी 70 mm की एनविल्स, ठीक है, 70 mm की एनविल लगाई थी, वो यहाँ के लिए थी, यहाँ के लिए नहीं थी, तो इसलिए इसने यहाँ पे रीडिंग शो की, यहाँ पे रीडिंग शो नहीं की, क्योंकि इसकी जो ये मूवेबल एनविल है ना, जब तक ये प्रेस नहीं होगी तब तक यहाँ पे कोई नीडल जो है हमारी शो नहीं होगी, देखिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया होगा।
वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प में हुई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।